नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी कि अपने दिमाग को जो है हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय भी बताऊँगी दोस्तों, जिनको अपना के जो है आप अपने दिमाग को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है कि दिमाग जो है वो हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, लेकिन हमारी हड्डियाँ जो होती है ये समय के साथ जो है कमज़ोर हो जाती है, और दिमाग जो है हमारा कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। अगर हम जो है कुछ इस तरह के उपाय अपनाते हैं तो हम जो है अपने दिमाग को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हम जो है अपने दिमाग को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं और सोचते भी हैं कि हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाएं और अपने शरीर को कैसे मजबूत बनाएं, पर हम अपने दिमाग के प्रति कभी भी नहीं सोचते हैं कि अपने दिमाग को कैसे मजबूत बनाएं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी दोस्तों, जिनको अपना के जो है आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। पहला तो होता है दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज करनी। अगर आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारे दिमाग के साथ साथ जो है हमारा फिजिकल वर्क भी होता है, और हमारे फेफड़े, हमारे हृदय, हमारे ब्लड सप्लाई जो है पर तरीके से रहती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो तो उसको भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारा एक्सरसाइज। तो दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू रखें और अपने दिमाग को तेज़ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी जो है एक्सरसाइज मानी जाती है। दूसरा होता है दोस्तों, पौष्टिक भोजन। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम भोजन जो है आपके दिमाग को नुकसान कर सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा भोजन खाते हैं तो वो भी हमारे दिमाग को नुकसान करता है, और बहुत ज़्यादा भोजन खाते हैं वो भी हमारे माइंड के ऊपर कहीं ना कहीं नुकसान डालता है। आपका भोजन जो है फाइबर वाला होना चाहिए, वसा वाला होना चाहिए, प्रोटीन वाला होना चाहिए, और जो है आपके पेट द्वारा अच्छी तरह से पचाया जाना वाला भोजन जो है आपको ऊर्जा भी प्रदान करता है। अगर आप जो है इस तरह का भोजन लेते हैं, वो भोजन जो है आपके पेट या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से पचा लेता है, तो आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ अटैच होता है। तो पौष्टिक भोजन को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दें। दूसरा होता है दोस्तों, अपनी डाइट का ध्यान रखें। ज़्यादा लोग जो है भोजन खाने ऐसा भोजन खाते हैं जो आपका दिमाग सुस्त बना सकता है और लंबे समय से ही आपके दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बहुत ज़्यादा भोजन आप ले लेते हो तो आपको जो है उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे कि आपको जो है थोड़ा सा आप जो है डिस्टर्ब हो सकते हो, मेंटली तौर पर सुस्त रहते हैं। कई बार हमें इस तरह का कर लेते हैं कि उसके बाद जो है हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है और हम सो जाते हैं, या हम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह का भोजन ना खाएं। अपने भोजन को जो है एक अच्छा भोजन जो है रूटीन फॉलो करें, अपनी डाइट का अच्छा रूटीन जो है बनाएं। और होता है दोस्तों, अपने शरीर का ध्यान रखें। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे कि शुगर का हो गया, मोटापा हो गया, जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या दिमाग, ये सारी चीज़ें जो है दिमाग के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इन बीमारियों को कंट्रोल करें और जो है अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए शराब, धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिंग या फिर अल्कोहलिज्म या कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनसे जो है आपके दिमाग को और आपके शरीर को नुकसान होता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ करें। और होता है दोस्तों, भरपूर आराम करें। जैसे कि जब हम आराम करते हैं या नींद लेते हैं या अच्छी नींद नहीं आती है हमारी, तो हम जो है बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारा जो है पूरा दिन ही खराब हो जाता है। तो अपनी नींद को जो है भरपूर लें, और जो है सोते समय हमारा दिमाग बहुत ही एक इस तरह से सोएं कि हमें जो है टेंशन फ्री और रिलीफ होके सोना है। किसी इस तरह की बात को याद करके ना सोएं जो आपको टेंशन दें और आपकी नींद को जो है सोने में डिस्टर्बेंस करें। तो इस तरह के जो है आपको अपनी नींद को पूरा फॉलो करें ताकि आपका दिमाग भी जो है वो मजबूत रहे। अपनी कॉफ़ी का आनंद लें। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिससे जो है आपको संतुलित कॉफ़ी पीते हैं या अच्छी कॉफ़ी जो है आप लेते हैं, तो उससे जो है आपका दिमाग की कोशिकाएँ खुल जाती हैं,
30 से 60% जो है आपकी जो बीमारियां हैं उनमें कमी आ जाती है। और जो है दोस्तों इससे भी जो है आप अपने दिमाग का जो है मेंटेनेंस कर देते हैं, क्यों हमारा दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और चीज़ों की तरफ। और जो है दोस्तों मछली, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मछली जो होती है ये भी हमारे दिमाग को बढ़ाती है। तो कई अध्ययनों में भी देखा गया है कि मछली खाने से मानव शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मछली में ओमेगा 3 नाम का जो है फैटी एसिड होता है जो आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये हमारे दिमाग को डिप्रेशन से भी बचाती है। तो मछली का भी आप सेवन कर सकते हैं अगर आपको जो है आप नॉनवेज खा लेते हैं तो। अपनी लाइफ को इंजॉय करें। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, या कि जो है हमें अगर तनाव मुक्त रहना है तो सामाजिक जिम्मेदारियों से थोड़ा सा परे रहें और अपने दिमाग को ज़्यादा थकाएं। अगर आप जिम्मेदारियों में पड़े रहेंगे या सोचते रहेंगे तो आपको जो है थकावट होगी और दिमाग भी आपका जो है असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए जो है अपनी अच्छी काम की तरफ जो है अपने दिमाग को बदलें। और जो है दोस्तों अगर आप जो है कोई इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं जो आपके दिमाग के ऊपर नुकसान डाल रही हैं तो इन दवाइयों को भी खाने से बचें। इस तरह की दवाइयां ना खाएं जो आपके दिमाग को जो है हानिकारक हो या हानिकारक जो है आपके प्रभाव डालती हो। दिमाग की कसरत करें। दिमाग की कसरत जैसे कि पहेलियां सुलझाएं, कोई गेम खेलें, शतरंज खेल सकते हो आप, या फिर अपनी अच्छी तरह से जो है आपको अपनी दिमाग की शेप को लाना है तो आप शतरंज का यूज़ कर सकते हैं, या खेल खेल में जैसे आप कोई अंताक्षरी खेल रहे हो या पहेलियां पूछ रहे हो एक दूसरे से तो वो उससे भी जो है हमारे दिमाग की कसरत होती है। दिमाग की जो है हमारी नए नए जो है एक्सपेरिमेंट करें, उनकी तरफ जो है अपने दिमाग को कन्वर्ट करें। इससे जो है आपकी टेंशनें भी कम होती है और दिमाग की मजबूती भी बढ़ती है और दिमाग के अंदर किसी भी तरह का दबाव नहीं आता है जिससे वजह से जो है हमारे दिमाग के अंदर टेंशनें आती हैं। इन सारी चीज़ों को दोस्तों फॉलो करें, इसको करके जो है आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं और कुछ इस तरह की डाइटें जो मैंने आपको बताई उनको फॉलो कर सकते हो तो इससे जो है हमारा दिमाग मजबूत होता है। आप बच्चों को भी ये चीज़ें करवा सकते हो क्योंकि बच्चों के अंदर भी जो है अपने दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं बच्चे, और उनका जो है जैसे टेंशनें बहुत ज़्यादा रहती है, स्टडी से रिलेटेड टेंशनें रहती हैं, तो इन चीज़ों को बना के जो है वो अपनी टेंशन को रिलीफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।